नमस्कार, एस्ट्रो MS पांडे का आप सभी दर्शक गणों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज मासिक राशिफल की श्रृंखला में आपके समक्ष अगस्त माह का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। और सबसे पहले मैं प्यारे दर्शक गणों आपको बता देना चाहता हूं कि इस मासिक राशिफल में जो कम समय के गोचर, कम समय वाले ग्रह हैं, जो तो कम समय एक राशि में रहते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे आपका शुक्र हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, इनका प्रभाव पड़ता। बाकी जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, केतु और शनि और गुरु, इनका दीर्घकालिक प्रभाव लगभग वार्षिक राशि फल में इनका महत्व बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो है चंद्र आधारित राशि फल है, जिसकी एक्यूरेसी सत्यता जो है 100% नहीं, 30 से 40% तक रहती है। ये मैं हर वीडियो में अपने इसलिए बता देता हूँ कि कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है सही। तो ज्योतिष एक गणित है, या सही गलत जानने के लिए फिर विस्तृत विवेचना कराना बेहतर होगा। हर जातकों का जो चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में होता है, अलग अलग चरण में होता है, नौमांस में उसकी पोजिशन अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यह तो सिर्फ मन पे पड़ने वाले प्रभाव की हम विवेचना करते हैं। तो यह राशि फल कन्या राशि के बारे में हम बताएंगे। जिन जातकों का चंद्रमा 6 नंबर की राशि वर्गो यानी कन्या में है, यह राशि फल उनके लिए है। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके राशि स्वामी बुध जो है, इस समय आपके 12वें भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग द्वितीय भाव में बना करके विराजमान है, और सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, और गुरु भाग्य भाव में गुरु मंगल का परिजात योग बना हुआ है। 6ठे भाव में शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की ओवरऑल पोजीशन ये है। और रही बात नक्षत्र की, तो केतु इस समय हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु इस समय उत्तर भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि इस समय जो पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शुक्रदेव जो हैं वह 10 अगस्त तक केतु के नक्षत्र में चलेंगे। 11 से 21 अगस्त तक वह जो है पूर्वा फाल्गुनी खुद के नक्षत्र में चलेंगे, और 22 अगस्त से लेकर महीने के लास्ट तक उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे शुक्रदेव। और सूर्य जो है कि 1 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में थे, 2 अगस्त से सूर्य अपना नक्षत्र बदल चुके, अपने अति मित्र बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का पदार्पण हो चुका है, जो कि 16 अगस्त से वो आपका 2 अगस्त से बुध जो है अपने नक्षत्र अच्छा परिवर्तन कर चुके हैं। 16 अगस्त से राशि परिवर्तन करके अपने खुद की स्वराशि सिंह राशि में जाएंगे। 16 अगस्त से उस समय उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाए जो उनके दुश्मन की नक्षत्र है। तो सूर्य का प्रभाव 2 फोल्ड में समझेंगे, 1 से लेकर 2 से लेकर 15 अगस्त तक यानी आधे महीने की स्थिति में सूर्य कुछ और फल देंगे, और आधे महीने में सूर्य का फल कुछ और होगा, बदल जाएगा, चूंकि नक्षत्र बदल जाएगा, और नक्षत्र बदलने से उसके फलों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। और 15 अगस्त के बाद 2-12 का संबंध हो जाएगा इनका। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बुध आपके ये 12वें भाव में बैठे हुए, जिन लोग सबसे आपकी जो जहां तक हेल्थ की बात है, छठे का स्वामी बृहस्पति वर्गो कन्या राशि का मालिक बुध जो है आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर कोई इस साल आपका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण या कहीं इधर उधर जाने के लिए परेशान है तो नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको एक जगह पर रह के आपको काम करने का अवसर इस साल मिलेगा। आपके हेल्थ की स्थिति थोड़ी सी 15 अगस्त के बाद डवाडोल हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सूर्य जो है यहाँ से राशि परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और अभी खुद वर्तमान में भी आपका लग्नेश आपकी जगह से 12वें है, कहीं जो है इस प्रकार से 2 चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत हेल्थ के संबंध में परेशानी आ सकती है, या अगर आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपने घर से दूर स्थान पर यात्रा हो सकती है, इवन विदेश यात्रा तक होने का भी कन्या राशि वालों के लिए योग बना हुआ है। घर से दूर स्थान पर यात्रा करेंगे, साथ साथ हेल्थ की स्थिति आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और शुक्र 12वें में होने के कारण और शनि जो है बैठा हुआ है 6th हाउस में, आपको अपने पैसे रुझब, शनि जो है शुक्र को देख रहा है यहाँ से सप्तम दृष्टि से, थोड़ी बहुत आपको पैसे पर कंट्रोल करके रखना है।
बारहवें हाउस में ये दोनों ग्रह बैठ के खर्चा खड़ा कर देंगे और आपके अपने ही लोग आपसे खर्च कराएंगे, तो इसलिए खर्च सोच समझ करके करें। इस समय आप विशेष ध्यान रखें, सूर्य जो है आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठ के सूर्य आपके लाभ में वृद्धि करता है और लाभ के अनेक स्रोत खोलता है और कई तरह से डिफरेंट यू डिराइव योर इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एक से अधिक सोर्स से आपकी इनकम होगी। सूर्य इस समय कर्क राशि में बैठे हुए 1 अगस्त तक कुश नक्षत्र में थे और उसके बाद 2 अगस्त से अश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण सूर्य का बड़ा उत्तम फल होगा। विदेश से अगर आप संबंधित हैं तो वहाँ से आय होगी, विदेशों के संबंधों से आय निश्चित है आपकी। जो है कोई काम धाम आपका जो शुक्र 12वें में होने के कारण उच्च का फल देते हैं, कालपुरुष की कुंडली में 12वां आपकी मीन राशि पड़ती है, तो कोई भी शुक्र से संबंधित व्यापार करने वाले लोग, रेस्टोरेंट, होटल, स्पा, जिम और उसका इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब टाइप के काम करने वालों के लिए बड़ा ही उत्तम संजोग रहेगा। साथ साथ जो है कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत तो आपको पड़ेगी। ट्रेडिंग के क्षेत्र में अगर आप हैं तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें का बुध जो है आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल ला करके पैसे का नुकसान करवा सकता है, तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की ज़रूरत है। सप्तम स्थान में राहु होने का गृहस्थ आश्रम में थोड़ी क्लेश रहेगी, व्यापारिक स्थल पर थोड़े विवाद से बचे, जो है अपने व्यापारिक साझेदार से अपना उत्तम संजोग बना करके रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और शनि छठवें भाव में बैठा हुआ है तो लंकापति वाक्य भन्नु दशानन त्रिखष्ट लाभ है शनिश्चाप सौकम तटो लाभकारी हिडम बैरानी। शनि का छठवें भाव में होना जो है बड़ा अच्छा, प्रबल शत्रुघ्नता योग बनाता है, कोई कानूनी केस, लफड़ा, कोर्ट केस इत्यादि की चीज़ें चल रही है तो उससे आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ अगर आप जॉब प्लेस में हैं तो आपके प्रमोशन होने के चांस है, किसी जॉब के लिए आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको बैठना होगा, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। शनि अपने घर में बैठा, पंचम भाव में भी शनि की राशि पड़ रही है तो शनि जो है आपको मेहनत करा करके सफल निश्चित बनाएंगे। शनि इस समय जो है रिट्रोगेट चल रहे हैं 30 जून से, तो सबसे पहले हेल्थ का, आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, पत्नी से झगड़ा विवाद से बचना है, व्यापारिक स्थल पर विवाद से बचना है, किसी भी बातचीत में बातचीत व्यवहार साझेदारों से अच्छे संबंध बना के रखें, व्यापारिक क्षेत्र पे लापरवाही न करें, दूसरे के भरोसे काम न छोड़ें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करने वालों के लिए थोड़ा समय अनुकूल नहीं रहेगा और साथ साथ पेशेवर लोगों के लिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सलाहकार, इन लोगों के लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल समय होगा जो है। और साथ साथ जो है कि आपके भाग्य भाव में गुरु और मंगल, इस तमाम परेशानी के बाद भी गुरु चूंकि भाग्य भाव में मंगल के साथ परिजात योग क्रिएट करके बैठे हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप यहाँ से बैठ करके गुरु आपको लग्न पे कंट्रोल रखे हुए हैं, आपके पंचम हाउस बुद्धि स्थान पे कंट्रोल रखे हुए हैं, गुरु की नज़र में अमृत होता है, तो इस प्रकार से ढेर सारी सफलता मिलेगी। मंगल चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं और साथ साथ जो है कि तीसरे भाव में आपके जो है कई पापी ग्रहों का प्रभाव है। थर्ड हाउस पे मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, इस प्रकार से विपरीत कई पापी ग्रहों का प्रभाव होने के कारण पराक्रम, छोटे भाई बहन के कारण थोड़ी सी आपके मन में व्यथा रहेगी, परेशानी रह सकती है, छोटी मोटी मीटिंग्स का परिणाम जो है आपके फेवर में नहीं हो सकते, पर आप योग प्राणायाम करें और साथ साथ व्यापारिक स्थल पे आप खुद जाएं, नौकर भरोसे काम न छोड़ें, गृहस्थ जीवन में भी आप अगर सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखें तो आपको सफलता मिल सकती है। साथ साथ में कोई कानूनी केस, लफड़ा, इन सब से भी छुटकारा मिलेगा। इन सब के बावजूद गुरु भाग्य स्थान में होने के कारण भाग्य आपका साथ देगा और आपके हेल्थ में भी छोटी मोटी परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगी जो है, तो आपको इस समय आपके खुद का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी परेशानी को आप निवारण कर सकते हैं योग प्राणायाम खान पान, कोई छोटी मोटी परेशानी का योग बना हुआ है। साथ साथ गृहस्थ में तनाव का, व्यापार में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल वातावरण को आप अपने से ठीक कर सकते हैं। थर्ड भाव पराक्रम, मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो शनि फल देगा। शनि रिट्रोगेट भले है लेकिन वह तभी आपको फल देता है जब आप उचित रूप से मेहनत करेंगे। साथ साथ एक चीज़ होता है, हर महीने में दर्शकों
कुछ तारीखें ऐसी होती जब आपका मन स्ट्रेस होता है, आपके मन में तनाव होता है, वो तब होता है जब चंद्र आपकी राशि से चौथे आठवें बारहवें गोचर करें। उस समय में आप हर चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 24-25 को चंद्रमा, 25 अगस्त को चंद्रमा आपकी राशि से आठवें गोचर करेगा और 15-16-17 को चौथे और 6-7 अगस्त को चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें गोचर करेगा। इस पीरियड में आप विशेष ध्यान रखें और साथ साथ जो है आप दुर्गा माता की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा पूजा करें, क्योंकि कन्या जो है, कन्या राशि का मालिक बुध जो है, गणेश और दुर्गा जी की उपासना करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक अनुरोध सभी दर्शकों का, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और यही हमारा पारिश्रमिक है। धन्यवाद।